नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से यहाँ पे जो डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आंध्र प्रदेश जो विजयवाड़ा के जो रिक्वायरमेंट निकाली है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश तरफ से यहाँ पर निकाली गई। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस में यहाँ पे जो बोले गए नोटिफिकेशंस फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव टू रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस टू वर्क इन कोविड हॉस्पिटल इन द स्टेट ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे जो आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे निकाली गई है जो कि आपके कोविड-19 के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में आपको जो यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल्स है उसी में आपको यहाँ पर जो है लोकेशन आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि यहाँ पर 1 ईयर के लिए आपको कॉन्टैक्ट में यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर देखें तो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर फर्स्ट में जो बोली गई स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन के लिए दी गई है। तो जनरल मेडिसिन के लिए टोटल सीटी आपको जो है 360 यहाँ पे बोली गई है एंड स्पेशलिस्ट फॉर पुलमोनरी मेडिसिन के लिए भी यहाँ पे जो बोली गई 363 यहाँ पे इसके लिए टोटल सीटें हैं एंड स्पेशली इन एंथोसोलॉजी के लिए। अगर आप जो है स्पेशलिस्ट इन एंथोसोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सीट के लिए टोटल सीटें यहाँ पे 347 यहाँ पे बताई गई है। तो आप जो है स्पेशलिस्ट किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ उसके अनुसार यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ ली जा रही है। तो आप जो है जनरल मेडिसिन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशंस बोली गई है मेडिकल डिग्री या फिर जनरल मेडिसिन या फिर DNV इन जनरल मेडिसिन से किए होंगे तो आप जो है जनरल मेडिसिन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप जो है पुलमोनरी मेडिसिन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन बोला गया मेडिकल डिग्री जिसमें कि जो आपका पुलमोनरी मेडिसिन से किया होगा तभी आप जो है पुलमोनरी मेडिसिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर DNV पुलमोनरी मेडिसिन से किए होंगे क्वालिफिकेशन तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड जो लोग स्पेशलिस्ट फॉर एनेस्थेसियोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आप पे जो क्वालिफिकेशन बोला गया मेडिकल डिग्री यहाँ पे बोला गया है एंड अगर आप जो है एनेस्थोलॉजी या फिर DNV एनेस्थोलॉजी किए होंगे तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे ये फॉर्म के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो पे स्केल आपको दी जाएगी 1,10,000 आपको यहाँ पर मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे आपको दी जा रही है। अगर यहाँ पे एज की देखें तो यहाँ जो एज आपको ली जा रही है अगर आप OC कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 40 ईयर्स। तो अगर आप OC कैटेगरी से आते होंगे तो उसके लिए मैक्सिमम आपको जो है 40 ईयर्स एज यहाँ पे बोली गई जिसमें यहाँ पे जो डेट ऑफ बिटवीन यहाँ पे जो बोली गई शुड नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 1/4/1980। तो अगर 1/4/1980 के पहले के अगर डेट ऑफ बर्थ होंगे तब जो है इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। और जो लोग SC ST या फिर OBC से आते होंगे उसके लिए मैक्सिमम ईयर्स यहाँ पे जो 45 ईयर्स यहाँ पे एज यहाँ पे बोली गई है जिसमें यहाँ पे जो डेट यहाँ पे जो दी गई है 1/4/1975 से पहले के यहाँ पे नहीं बताया गया है। एंड जो लोग यहाँ पे एक सर्विसमैन या फिर यहाँ पे बताया गया तो अगर एक सर्विसमैन से आते होंगे उसके लिए आपको मैक्सिमम आपको 50 ईयर्स यहाँ पे एज यहाँ पे बताई गई है जो कि यहाँ पे 1/7/1970 से पहले का यहाँ पे नहीं बताया गया। तो अगर आप जो है आंध्र प्रदेश के अगर आप निवासी होंगे तो उसको यहाँ पे आपको आरक्षण भी दिए जा रहे हैं जो कि आपका AP के गवर्नमेंट के अनुसार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आरक्षण भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे बोलेगी तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल यहाँ पर जो लिंक दी गई है तो यहाँ पे जो बताया कि कैंडिडेट शुड सबमिट अप्लीकेशंस ऑनलाइन इन द लिंक अवेलेबल एट DME.AP.NIC.IN। तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल लिंक दी गई है इसमें जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई है 30/4/2020 इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई जो कि आज के डेट से यहाँ पे स्टार्ट हो गई एंड जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन का यहाँ पे जो डेट दी गई है 7/5/2020 इसका लास्ट डेट दी गई है। तो 7/5/2020 से पहले जो लोग यहाँ पे भरना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में जाकर जो है इसको आप आवेदन कर सकते हैं। एंड नीचे में यहाँ पे जो कैसे इसको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है उसके बारे में यहाँ पे जो बताया कि ऑल दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड ऑन ए स्पेसिफिक डे। तो यहाँ पे जितने भी आपको नीचे में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए इसको आपको अपलोड करना है। तो फर्स्ट में आपको जो है SSC सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का अगर होगा प्रूफ उसी को आपको अपलोड करना है। एंड सेकंड में स्टडी सर्टिफिकेट फॉर क्लास 4 से 10 का या फिर इंटरमीडिएट का बोला गया। एंड थर्ड में आपका मार्कशीट फॉर MBBS Part 1, Part 2 एंड Part 3 का। एंड यहाँ पे फोर्थ में जो सर्टिफिकेट बोला गया MBBS MD MS DNV डिग्री सर्टिफिकेट। एंड फिफ्थ में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोविजनल सर्टिफिकेट एलॉन्ग विथ मार्क लिस्ट।
लिस्ट। एंड यहाँ पे सिक्स में यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बोलेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पीजी डिप्लोमा डीएनबी डिग्री विथ एपी मेडिकल काउंसिल्स। एंड सेवन्थ में यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बोलेगी लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इन केस एससी एसटी ओबीसी या फिर आप किसी भी कास्ट के होंगे तो उसका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। तो सिलेक्शन आपको यहाँ पे किस टाइप ली जा रही है, तो यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स आपको 100 का यहाँ पे बताया गया, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर में जो बोला गया 75% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग पीजी डिग्री सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन। तो अगर आप जो है पीजी डिग्री या फिर सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन अगर आप किए होंगे तो आप जो है 75% का मार्क्स आपको उसी के अनुसार आपको दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको जो है वेटेज के अनुसार आपको जो है मार्क्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि 2.5 मार्क्स पर 6 मंथ इन ट्रिबल एरिया के लिए, 2 मार्क्स पर 6 मंथ फॉर रूरल एरिया के लिए एंड 1 मार्क फॉर 6 मंथ इन अर्बन एरिया के लिए। तो किस एरिया से आप बिलोंग्स करते हैं तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पे जो है आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि टोटल आपको 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आपको इसी में किसी भी तरह के जो है आपका रिटर्न यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम नहीं ली जा रही है, ओनली फॉर जो है आपका क्वालिफाइंग पीजी डिग्री या फिर सुपर स्पेशलिटी के अनुसार यहाँ पे जो है आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। एंड फिफ्थ में यहाँ पे जो देयर विल बी नो इंटरव्यू, तो यहाँ पे जो है आपका किसी भी तरह के नो इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे आपको नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपको ली जा रही है, इसमें जो है आपका किसी तरह की एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो आप जो है इस ऊपर में जो वेबसाइट दी गई थी लिंक, उसमें जाकर जो है इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।